Hi students, how are you beta? I hope you all are fine. Okay, welcome back to our SS classes. Okay, in previous chapters we already have discussed about physical features of India. Today we will discuss our chapter number 9 about rivers. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में. बेटा जो रिवर्स होती हैं, दीज आर नेचुरल वेल्थ. क्या होती हैं वो? नेचुरल वेल्थ होती है जो नेचर ने हमें गिफ्ट की है. ठीक है, ये मैनमेड नहीं है. क्या है ये? नेचर ने बनाई है ये. ठीक है, नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, नेचर ने हमें पूंजी प्रदान की है. ओके, तो आज हम इन्हीं रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपने जैसे गंगा, यमुना, काफ़ी नदियों के नाम सुने होंगे. ठीक है, लेकिन जो बेसिकली इंडिया में बहुत सारी रिवर्स पाई जाती है. ठीक है, बहुत सारी रिवर्स बहती हैं. अब उन रिवर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? टू में. नंबर वन क्या होती है? हिमालयन रिवर्स, और दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स. एक कैटेगरी वो होती है जो हिमालय से होती हुई गुजरती है, और दूसरी जो होती है वो पेनिनसुलर इलाके में. तो पेनिनसुलर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, और अब भी बताऊंगी, लेकिन अब बताऊंगी बाद में. उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर्स, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होता है, हिमालय यानी हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वहां से जो नदियां गुजरती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिमालयन रिवर्स. यानी वो नदियां जिनको सोर्स, जिनको पानी जो मिलता है वो कहां से मिलता है? हिमालय से मिलता है. यानी सोर्स जो होता है, इन नदियों का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? हिमालय, यानी हिमालय पर्वत से निकलती हैं. ठीक है, अब हिमालयन की जो नदियां हैं इनके भी कुछ पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे द इंदुज, द सतलुज, द ब्रह्मपुत्र. ये नदियां इस वे में हमने इसको क्या कर दिया? इसको भी डिवाइड कर दिया. अब दूसरी बात आती है, फिर से वही बात कि इनका जो ओरिजिनेट है, ओरिजिनेट यानी जहाँ से शुरू होती हैं, ये कहाँ से बहती हैं. तो सबसे पहले जो इनका ओरिजिनेट होता है, यानी जहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? हिमालय से स्टार्ट होती है, हिमालय पर्वत से स्टार्ट होती है. ओके, गेट वाटर. अब इन नदियों में पानी आता कहाँ से है? कहाँ से मिलता है इनको पानी? सबसे पहली बात आपको पता है बेटा कि बर्फ के पहाड़, हिमालय जो इलाका है वो ठंडा है, जैसे लेह लद्दाख है, तो वहाँ पे ऐसा एरिया, हिमालय का वो एरिया जो ऊंचा होता है, वहाँ पे बर्फ की पहाड़ियाँ होती हैं. तो जैसे वो जो बर्फ होती है, जब वो मेल्ट होती है, व्हेन स्नो मेल्ट्स डाउन देन द रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो एंड फ्रॉम रेन. कहाँ से मिलता है उनको पानी? या तो जब बर्फ पिघलती है तो उसमें से पानी मिलता है, या फिर जब बारिश आती है तो इनको पानी मिलता है. ओके, फिर बात आती है कि ये जो हिमालय नदियाँ हैं, जो हिमालय से होती हुई गुजरती हैं, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, ये बहती कहाँ है? सबसे पहली बात है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में. नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा इंडिया का जो ऊपरी नॉर्थ का जो हिस्सा है, वहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी नॉर्दर्न का उत्तरी मैदानीय क्षेत्र है, वहाँ से होकर के गुजरती हैं ये. कौन कौन सी नदियाँ हैं? कोई एग्जाम्पल, जैसे गंगा, यमुना. ठीक है, ये नदियाँ किसकी एग्जाम्पल है? हिमालय नदियाँ की. ओके, फिर बात आती है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा. गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है. अब गंगा का जो सोर्स है, गंगा को पानी कहाँ से मिलता है? गंगोत्री से. गंगोत्री कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है. ठीक है, फिर इट फ्लोज थ्रू. अब ये जो गंगा नदी है, ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, कहाँ कहाँ बहती है? सबसे पहली बात आती है यूपी. कहाँ से? जैसे मैंने कौन सा बताया है? नॉर्थ का पार्ट बताया है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स. तो सबसे पहले ये यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल, यानी यूपी से होती हुई निकलती है ये, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर बाद में बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन कर लेती है. बे ऑफ बंगाल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये खाड़ी है, समुद्र है, बताया था ना, तो उसी को ये लास्ट में ज्वाइन करती है, मतलब इसका पानी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है. ओके, फिर जो ये नदियाँ बह रही हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कहाँ कहाँ बढ़ जाता है? जैसे यमुना है, गोमती है, ये सारी जो नदियाँ हैं ये किसकी हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं. ओके,
फिर इसी गंगा नदी पे एक ब्रिज भी आता है, उस ब्रिज का नाम है महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है बेटा, तो ये हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है, हिमालय नदियां के बारे में। ठीक है, अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके ओके बेटा।